औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत सलामत रखे। बच्चों आज हम आपको क्लास फोर्थ का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है टिक टिक टिक, यानी वक्त कैसे चल रहा है। बच्चों देखें, इस वक्त कड़ी थारा सामने है, इस पर कितना बजे है, एक पास है जिस पर दो ही घंटा की और मिनटा की सुई बराबर एक ही नंबर पर होगी, बारह पर होगी, बारह पर होगी तो बराबर बारह बजे। इसे ना आगे पीछे करना, मिनट चढ़े। देखो इसके बराबर बारह बारह बज पंज मिनट कट बारह बजे है। इसने जिस वक्त हम अगर डालेंगे, देख और इस वक्त बराबर बारह बजे है, दो मिनट ऊपर हो गए, बारह बज के पाँच मिनट हैं, बारह बज के दस मिनट हैं, बारह बज के पंद्रह मिनट हैं, बारह बज के बीस मिनट हैं, बारह बज के पच्चीस मिनट हैं, बारह बज के तीस मिनट हो गए, साढ़े बारह हैं, बारह बज के चालीस मिनट है, बारह बज के पैंतालीस मिनट है। इसमें पूर्ण एक बीके क्वार्टर वन बीके, बारह बज के पंजा मिनट है, बारह बज के पचवंजा मिनट है, हो गए बारह बज के साठ मिनट, हो गए एक बज के, हो गए एक बज के। जिस वक्त घंटा की सुई एक पर होगी और मिनटों की सुई बारह पर होगी, हो गए बराबर एक बज। बारह पर एक तक जरा पाँच मिनट है, एक पर दो त्रुणी होगी मिनटों की सुई, फिर होगी दस मिनट हो जाएगा। अगर दो पर त्रै त्रुणी जाएगी, क्योंकि पंद्रह मिनट हो जाएगा, जो मैं तुम्हें दसिया। इसे कह सकता हो गए एक बज के पंद्रह मिनट, इसे हम कह सकेंगे क्वार्टर पास्ट वन, उर्दू में हम अपनी जबान को सवा एक बजे। इसमें हम कह सकेंगे एक बज के पैंतालीस मिनट, इसमें हम यह भी कह सकेंगे पौना दो बजे, क्योंकि क्वार्टर टू टू पी एम, क्वार्टर टू टी एम टू पी एम। इसने क्या कहते हैं क्वार्टर पास्ट टू पी एम, क्वार्टर पास्ट टू पी एम, ओके सवा दो बजे। ये याद रखिए। इसने हम कह सकेंगे क्वार्टर टू थ्री पी एम, क्वार्टर टू थ्री पी एम, हो गए दो त्रै बजे पंद्रह मिनट का, पौना त्रै बजे। हम तुम्हें पूछते हैं टाइम समझे हो। बच्चों देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्राम टू फ्राम। यह कड़ी है इस वक्त चार बजे पर, ये मिनटों की सुई है,
कि मिनटों की सुई हवा है सात पर, जिस घंटा की सुई हवा चार पर हो गए, चार त्रै त्रै तो चार थोड़ी हो गए त्रै बज के 35:35 जै करिए त्रै बज के एक त्रै तूरा चार के नजदीक जी घंटा की सुई है घंटा की सुई है दस पर है या पुणे चार के नजदीक है या मिनटा की सुई हो गई चार बज के त्रै बज के 50 है हो गई। इसका मतलब त्रै बज के 35 और त्रै बज के 50 में कितना फर्क है तुम देख सके। 5 हो गए ये, 5 हो गए ये हो गए 10, 5 हो गए ये हो गए 15, हो गए 15 को फर्क है हो गई तुम देख सके 15। इसे दूजी है इस पर 6:05 या घंटा की सुई है या 6 पर है ये मिनटा की सुई है या एक पर है वो 6:05। इस पर जो घंटा की सुई है 6 पर है जो मिनटा की सुई है 6 त्रै पर है वो 6:15 हो गया। हमें लिखवाए थे कि कितना मिनट हो गया, ये हो गया अगर ये 5 ये तो 5 गया ये 5 ये हो गए 10 हो गए 5 हो गए 10 को फर्क है ना। इस तरह जिस पर 3:40 आया घंटा की सुई 3 पर है के 9 है मिनटा की सुई 8 पर है वो 3:40 है या मिनटा की सुई 12 पर है घंटा की सुई 4 पर हो गए बराबर 4 है वो कितने मिनट का फर्क है हो गई जी। हम कह सकेंगे 20 का फर्क कितना को 20। इस पर 2:35 है इस पर 8:45 है इधर काफी चेंज है वो 2:08:45 है और 2:35 है। पहले देख लो अपना 2 x 8 घंटा कितना घंटा है, 2 x 8 कितना घंटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा है और 2:35 है 8:45 है छ घंटा 10 को फर्क है ऐसा। साठ हो गए 8 पर आया यहाँ हो गए 6 पर हो गए 60। इस तरह 5 बजे के 15 ये 5 पर है दूजी 15 पर हो गए 5:15। हूँ जी हूँ 6:20 देख 6:20 की घड़ी ये देख 7:10 या घंटा की सुई है या मिनटा की सुई है या सेकंडा की सुई है छोड़
देखो 8:03 है, वो देखो 8:03 होगा 8:30 या घंटा की सुई है या घंटा की सुई है या मिनटा की सुई है। This clock shows 10:04 ओके 10 मिनट का 4 बजे है। दिस इज द सेम एज 50 मिनट्स पास्ट ओके 3:50 कह सकें हम। दिस क्लाक शोज 8:15 दिस इज द सेम एज 45 मिनट्स पास्ट 7। दिस क्लाक शोज 10:30 यह 10:30 की हुई। दिस इज द सेम एज 10:30 3 मिनट ऊपर 10 बजे। दिस क्लाक शोज 3:15 ये क्लाक शो कर 3:15। दिस इज द सेम एज 3:15 यह हो गए 3:15 3:15 ऊपर 3 बजे 15 मिनट्स 3:15। This clock shows 6:30 This is the same as 3:15 This clock shows 6:15 This is the same as 3:15 हो गई। इसे हम कह सकेंगे 6:15। बाकी वसलाम अगला मैं फिक्र करांगा इंशाल्लाह।